भारत से पाकिस्तान गई महिला अंजू को लेकर अब उसके पति का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अंजू के पति अरविंद से ये सवाल पूछा गया था कि अगर अंजू 2-4 दिन में पाकिस्तान से वापस आती है और माफ़ी मांगती है तो क्या रिश्ता पहले जैसा रहेगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ख़त्म है सब कुछ, बच्चे भी तैयार हैं, बच्चों ने भी अंजू से रिश्ता ख़त्म कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो अंजू ने पाकिस्तान में इंटरव्यू के दौरान कई बार ये बातें कही है कि उसके पति अरविंद के साथ तलाक हो गया है, लेकिन अंजू के पति का कहना है कि हमारे बीच में कभी भी तलाक को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अरविंद से पूछा गया था कि क्या अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो खुद मीडिया में आकर बता रही है कि मैंने शादी नहीं की है। इंटरव्यू के दौरान अंजू के पति ने कहा कि वो मुझे बताकर नहीं गई है, झूठ बोलकर गई है, रिश्ते में धोखा मिला है। अंजू ठीक है, अच्छी है, मैं दिल से भी मानता हूँ, अभी भी मानता था उसको, मगर ऐसा करके उसने मुझे धोखा दिया है, उसने दिल तोड़ा है। उसको ये कदम उठाने से पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ की याद में रोता रहता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि बच्चे मेरे पास रहें। मेरी बेटी ने भी कहा है कि मुझे माँ की शक्ल नहीं देखनी है, बच्चों को भी उससे नफरत हो गई है। अंजू के पति ने यह भी बताया है कि अंजू के माता पिता और भाई का भी सपोर्ट मिल रहा है, वो हमारा स्वभाव जानते हैं, वो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करेंगे। हमने तो उसे भेजा नहीं, वो जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है, ना ही बच्चों को बताकर गई है। वहीं अंजू के पिता का कहना है, पति को छोड़िए, जिस बेटी ने अपने ही बच्चों को छोड़ दिया उससे मेरा कोई रिश्ता कैसे हो सकता है। वहीं उसके वीज़ा ख़त्म होने पर देश लौटने के सवाल पर अंजू के पिता ने कहा कि वीज़ा ख़त्म हो जाए या फिर वो खुद ख़त्म हो जाए, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे यही सब करना था तो उसे पहले तलाक लेना चाहिए था, सब कुछ यहाँ से करके जाती। उसने उस लड़के और अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उसके 14 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को पालने के लिए कौन जिम्मेदार होगा।